Hey guys, welcome back to my channel, savivek vlog. तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मसाला और आपको भी दिखाएंगे. और अभी बज चुके हैं दोपहर के एक और ये एक बजने वाले 5 मिनट हैं. तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं पनीर मसाला हम कैसे बनाते हैं. चलते हैं. तेल डाल के और इसमें प्याज, मिर्च, जीरा और लौंग और क्या डाला था, काली मिर्च, टमाटर सब डाल के इसको हल्का फ्राई कर लेते हैं. उसके बाद हम इसे पीस ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में. तो इसमें हल्का काजू भी डाल दिया है. तो अभी चलते हैं, इसको थोड़ा भून लेते हैं. उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे. उसके बाद मिलते हैं. और इसमें तेज पत्ता भी मैंने ऐड कर दिया. और ये हमारा भून चुका है. अब इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं. हवा में रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा. फिर इसके बाद हम ग्राइंड करेंगे. जीरा थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर देंगे. Thank you.
हैदराबाद पराठा जिसे लच्छा पराठा कहते हैं, मार्केट से मंगाया है। तो इसे आप अभी इसमें फिर गर्म करना है, तवा पर इसे गर्म करते हैं, तो रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये पराठा इस सब्जी के साथ खाने में मुझे अच्छा लगता है, चावल के साथ खाने रेडी हो रही है खाने के लिए। पनीर मसाला और ये हमारा लच्छा पराठा और ये हमारा खीरा। नाम लगा रहे किसमें लगाएं, खोले का पेन कब लगाएंगे, हाथ लग जाए। हम जा रहे हैं खाना खाने, हमारा खाना रेडी हो चुका है और बज चुके हैं दोपहर के दो, चलते हैं खाना खाने। एक बार टेस्ट करके बता दो। आप भी ट्राई करके देखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।